अरे इसी बात पे एक शेर की आमद हुई है। अरे वाह, इरशाद इरशाद। चाहे जितना भी हो जाए मुखालिफ जमाना, जानी तुम ही मेरी बारात लेकर आना। अरे क्या बात है नाजिया तुम्हारी, वाह, इस बात पे तालियां होनी चाहिए। रुको जरा, क्या बात है। अच्छा सुनो, बाहर कोई आया है तो मैं तुमसे थोड़ी देर तक बात करता हूँ, ठीक है? करता हूँ। अरे वाह, मेरे वालिदैन आए। कैसे हो मेरे बेटे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बल्कि मैं अभी आप लोगों को याद कर रहा था। वो क्यों? कैसी अजीब सी बात है, हम इसके अम्मी अब्बू इसलिए याद कर रहा था। नहीं नहीं, उसकी वजह कोई और है। अच्छा, लेकिन बेटा हमने ना तुमसे एक जरूरी बात करनी है अकेले में। मैंने भी आप लोगों से बड़ी जरूरी बात करनी है। अच्छा तो चले छत पे चलते हैं। छत पे? हाँ हाँ, अकेले में बात करेंगे ना, ऊपर कोई भी नहीं आता। आजी आजी आजी। मुझे स्कूल जाना है और इस उम्र में मुझे स्कूल में दाखिला मिलेगा नहीं छोटे बच्चों के साथ, तो आपने कुछ भी करके मेरा स्कूल में दाखिला करवाना है। अरे बेटा, इस उम्र में स्कूल जाके क्या करोगे? मैं ऐसा करता हूँ, एक ट्यूटर रख देता हूँ, वो घर आके तुम्हें पढ़ाएगा भी, पढ़ते भी रहना और फिल्में भी देखते रहना। नहीं नहीं, मुझे स्कूल जाना है जिसे नॉर्मल लोग जाते हैं, यूनिफॉर्म पहनकर, बस्ता लटका कर, लंच बॉक्स लेकर। बेटा ये तो बहुत अजीब सी ख्वाहिश है। आप मेरी माँ हैं? हाँ। सगी? बिल्कुल। साबित करें। अरे मैं साबित करता हूँ, मेरा एक दोस्त है, उसका प्राइवेट स्कूल है, उसको कहता हूँ तुम्हारा एडमिशन करा दे। खत्म, बस ठीक हो गया। लेकिन मेरे साथ साथ नाजिया का दाखिला भी करवाना है। नाजिया का? वो क्यों? अरे वो मेरी होने वाली बीवी है, और मैं पढ़ लिख जाऊँ और वो अनपढ़ रह जाए, ऐसे तो नहीं चलेगी ना जिंदगी की गाड़ी। और मैंने कहीं सुना था। क्या सुना था बेटा? कि एक पढ़ी लिखी लड़की नस्लें सवार देती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी पढ़े लिखे।